मर्यादा में श्री राम की पाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं आनंद पर्वत के पंजाबी बस्ती में, जो कि वार्ड 85 का एरिया लगता है। वेस्ट पटेल नगर एरिया वार्ड 85 है ये। मैं आपको बता दूं कि परिसीमन के बाद वार्ड कुछ इस तरह से बट गया है कि मतदाता हमारे कन्फ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा कि हम कौन से वार्ड में आते हैं, हमें मतदान करने के लिए कहाँ जाना होगा। खैर, फिलहाल यहाँ पर MCD वार्ड 85 जो वेस्ट पटेल नगर है, उसके अंतर्गत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनू नरेश कुमार की एक सभा हो रही है, जिसमें जो है सभा के मंच पर यहाँ पर कुछ ही देर में जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं मीनू नरेश कुमार, अपने समर्थकों के साथ और क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ इस मीटिंग को संबोधित कर रही हैं। तो आइए चलते हैं इस मीटिंग में और देखते हैं कि किस तरह से वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज 1 दिसंबर हो चुका है, आप सभी जानते हैं 4 दिसंबर को मतदान है। आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, मतदान करने अवश्य जाएं। आंगनवाड़ी की महिलाएं, मैं उस दिन गया बहन जी, आंगनवाड़ी महिलाओं की मैंने जब तनख्वाह सुनी तो सुन के हैरान हुई। मैं समझ रहा था उनकी तनख्वाह 13-14 हजार है। हाँ चलो, ये भजन अभी करवाएंगे, आदेश जी के सामने करवाएंगे, जो बहनें भी आ गई हमारे बीच में। और जब ये तीनों निगम का पैसा केजरीवाल जी ने दिल्ली नगर निगम को नहीं दिया तो ना ही कोई विकास का काम हो पाया। हमने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी आ गए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उनके समर्थक उनके साथ नारेबाजी करते हुए आपके सामने आपके बीच। बड़े भाई श्री आदेश गुप्ता जी के बीच में आ गए हैं और आनंद पंजाबी बस्ती के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आप इधर आइए, इधर आइए भाई साहब। इन महिलाओं का भजन मैंने सुना और भजन इतना बढ़िया है कि नया भजन है मोदी जी के, मोदी जी के नाम पर एक बार 5 मिनट का भजन है। बताइए आप शुरू करो, समय बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई साहब के कार्यक्रम बहुत लगे हुए। ये लो बोलो, धरती माता की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, मोदी जी की जय, बोलो जोगी जी की जय, बोलो सारी पार्टियों की जय, बोल फूल वालन की। मोदी जी मैं मर्यादा मैं श्री राम की पाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और 14 साल वनवास काट कर आ गए दोनों भैया, और पूजा होगी गौ माता की अब न कटेगी गैया, और पूजा होगी गौ माता की अब न कटेगी गैया, और घर में होंगे राम राज अब कसम राम की खाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और बना के केवट तारे राम ने रूप मोदी का घर के, और जब दुश्मन ने आग उठाई मारे घर में बढ़ के, और जब दुश्मन ने आग उठाई मारे घर में बढ़ के, और ऐसा लाल जना जननी ने दुनिया करे बढ़ाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। और श्री राम के मंदिर की शुरू करी चिन्हवाई, और मोदी जी
को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी ने श्री राम के मंदिर का भीड़ा खाया, और जोगी जी ने आगे बढ़ के अपना फर्ज निभाया, और जोगी जी ने आगे बढ़ के अपना फर्ज निभाया। अयोध्या श्री राम का दुनिया देखन भाई, अर राम लखन बेटी में मैया सीता बैठी पाई, और राम लखन के बीच में मैया सीता बैठी पाई, और शत्रुघ्न हनुमान भरत भी बैठे देव दिखाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और होगा देश हमारा भारत भाई समीर बताए, और लोग मान वर्मा भैया भी श्री राम को डाले, और लोग मान वर्मा भैया भी श्री राम को डाले, और लिया कुसुम ने नाम कुसुम का लिया नाम, लिया कुसुम ने नाम गुरु का कथा राम की गाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी में मर्यादा मन श्री राम की पाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, और मोदी जी को जोगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। बोलो श्यापत रामचंद्र भगवान की जय, बोलो धरती माता की जय, बोलो मोदी जी की जय, बोलो जोगी जी की जय, जनता की जय। मंडली है और जब वहाँ गई तो ये भजन सुना, मैं कहा भाई साहब आ रहे हैं आपको आना पड़ेगा, ये सुनकर भाई साहब भी बहुत खुश रहेंगे। और आज मैं जी अब जरा 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 दो मिनट जरा शांत रहे। अभी मैं सीधा माइक भाई साहब को दूंगा, क्योंकि भाई साहब के आगे आज के कार्यक्रम काफी है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में आए हैं, वो अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बड़े भाई आदेश गुप्ता जी, छोटे छोटे विकास कार्य हैं उसको लेने करने का संकल्प हमारी बहन मीनू जी और नरेश जी ने किया है, इसीलिए आपके बीच आए। आनंद पर्वत जो दिल्ली का दिल है, आप ये देखिए यहाँ से संसद कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है संसद। हमारे मंडल के अध्यक्ष शंभुनाथ जी हैं, हमारे पांडे जी हैं, चंद्रमणि जी हैं, और हमारे गुप्ता जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। एक एक जो हमारे माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उन सबको विकास की दरकार है, और वो विकास देने का काम, वो प्रगति देने का काम अगर कोई करेगा आप लोगों के मत की ताकत की बदौलत, वो हमारी बहन मीनू जी नरेश जी करेंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये मीनू जी हैं, इनको गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारे गुरु महाराज जी हैं वाल्मीकि मंदिर वाले, उनका आशीर्वाद है। जिसको जो गुरु को मानता है वो सब संगत की सेवा करना जानता है, जो गुरु को मानता है वो संगत और जनता की सेवा करने का संकल्प लेके आता है। मैं इस बहन को जानता हूँ, इसके दिल के अंदर लोगों की तड़प है, लोगों की सेवा करने का जुनून है, और वो जुनून इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आनंद पर्वत के विकास के लिए, आनंद पर्वत की शान के लिए, पंजाबी बस्ती की आन बान शान के लिए हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर मीनू जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भाई साहब जी हमारे बीच में आए, इनका मैं पंजाबी बस्ती की समस्त और संगत की तरफ से बहुत हृदय दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार दोबारा दिल्ली में बनने जा रही है। जो विकास के काम पिछले 5 साल में इस केजरीवाल की वजह से नहीं हुए, वो दोबारा से सरकार चालू होगी और काम होंगे। हमारी माताओं बहनों के बुजुर्गों की पेंशन चालू होगी, राशन कार्ड भी होगा और दिल्ली नगर निगम के हाथों में क्या पता जल बोर्ड भी आ जाए, तो ये जो हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन करवाएंगे सर, यहाँ पे बहुत है, रात भर पानी की समस्या का समाधान नहीं।